सो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जितने भी क्लास 12th के फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस हैं जो आपको जरूर करने हैं। ये बात ध्यान रखना, जितने भी आपको डेरिवेशंस दे रहा हूँ, अगर आप ये सिर्फ डेरिवेशंस को कर लेते हो और साथ में प्लस आपने इन डेरिवेशन के अगर प्री वाई क्यूज लगा लिए, तो अगर आपकी ऐसी हालत है कि आपसे कुछ नहीं हो रहा है, अभी बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हो, तो इनको पढ़ो, आपके नंबर जरूर यहाँ से आप बूस्ट कर रहे होंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होते हैं, वो हमेशा ही हमारे लिए अंत में रामबाण का काम करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब सबसे पहले ये हमारी यूनिट वन, देखो यूनिट वाइज में डिवाइड करें, यूनिट वन हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। अब यूनिट वन में सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहला है कूलम्स लॉ, और किस फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। वो क्या होता है, एफ ऑफ वन टू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ टू वन। नेक्स्ट इज, हम नेक्स्ट हमारे पास है इज एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम इन द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉस थ्योरम का हम कैसे यूज करेंगे एप्लीकेशन। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। बिकॉज अगर तुम डेरिवेशन कर लोगे तो जो फॉर्मूला निकलेगा वो भी तुम्हें पता रहेगा। और अगर मान लो कई बार क्या करता बोर्ड कि वो जो क्वेश्चन आएगा ना, उसमें आपको कहेगा कि पहले डेराइव करो, उसके बाद आपको कुछ वैल्यूज दे देगा, उसके ऊपर क्या है वो सॉल्व करने को बोलता है, ठीक है। तो ये चीज भी वहां रहती है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल पे रहेगा, फिर एक्सियल पे आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर, स्फेयर क्या कर लेना। नेक्स्ट द कैपेसिटेंस, अब ये चैप्टर वन यहाँ खत्म हो गया, यहाँ आगे चैप्टर टू, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो एक बार विद कर लो, एक बार विदाउट कर लो। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सो इतने हमारे यूनिट वन से हमें करने ही करने हैं। नेक्स्ट इज चैप्टर टू, चैप्टर टू में आपको पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ अ गॉस थ्योरम इन द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल स्फीयर। नेक्स्ट इज द रिलेशन बिटवीन करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन है, उसका आपको डेरिवेशन पढ़ लेना है। एक्सप्रेशन आता है कई बार, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पूछ लेते हैं। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, जो कि आपने 10th वगैरह में भी पढ़ा है। थर्ड चैप्टर यूनिट नंबर थ्री, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, दैट इज टॉर्क एक्सपीरियंस, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एम्पियर्स लॉ इन इट्स एप्लीकेशंस टू अ इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट एंड टोरॉइडल सोलेनोइड्स। एम्पियर लॉ जरूर पढ़ लेना, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है एम्पियर लॉ। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, अप्लाई बायोट्स सावर्ट्स लॉ टू डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक इफेक्ट में आपका बायोट सावर्ट्स लॉ, जब मैं पेपर दिया था मैंने तभी मुझसे पूछा गया था बायोट सावर्ट्स लॉ। साइक्लोट्रॉन्स, द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल, बार मैग्नेट में टॉर्क क्या रहेगा, ठीक है, जो कॉस थीटा वाला फॉर्मूला है ना। करंट लूप ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब फोर्स क्या है, मूविंग चार्ज पे क्या फोर्स लग रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी। तो इन सभी डेरिवेशंस को आप, अगर ये डेरिवेशंस आपके पास सॉल्यूशन में है तो ठीक है, नहीं है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप एकदम यूट्यूब वगैरह से देख सकते हो। और अगर आपके पास कोई बुक है प्रीवियस ईयर आपने खरीद रखी है 10 ईयर्स की, तो ये बुक से भी आपको मिल जाएंगे। अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये रहेगा सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन। फिर इसके बाद ये आपका इंपीडेंस वाला इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड डेरिवेशन एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रॉड मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द रिलेशन बिटवीन पीक एंड आरएमएस वैल्यू, ये आरएमएस वैल्यू पूछा जाता है कई बार, डेरिवेशन फॉर अ रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। यूनिट फाइव में आपको सिर्फ पढ़ना है दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट का डेरिवेशन पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर। अब ऑप्टिक्स काफी बड़ी यूनिट है, तो इसमें आपको सबसे पहले जो है लेंस का फॉर्मूला, ठीक है, रिफ्रेक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेसेस, लेंस मेकर फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मुझे और इंपॉर्टेंट लग रहा है वो डबल टिक लगा दे रहा हूँ। और ये सिंगल स्लिट के बाद डबल स्लिट आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, डेरिवेशन इन द प्रिज्म एंड डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला
फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वाला, ठीक है, इसको भी इंपॉर्टेंट मान लो, पोलराइजेशन। अगली हमारी यूनिट है यूनिट नंबर 7, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली रिलेशन, द रिलेशन बिटवीन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन एंड कट ऑफ पोटेंशियल। न्यूक्लियर एंड एटम्स, इसमें आप एक्सप्रेशन जो आपका रहेगा रेडिएशन हाइड्रोजन लाइक एटम्स, बिकॉज ये चैप्टर जो है ये आपका थोड़ा सा लाइक थ्योरिकल चैप्टर, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा रहती है, तो कैलकुलेशन मेरे प्रैक्टिस कर लेना आप। अब देखो प्रीवियस ईयर इसीलिए बताया मैंने, राम बार रहेंगे प्रीवियस ईयर, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ाई करी है तो। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपका कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर और कॉमन बेस एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। नेक्स्ट चैप्टर 10 जो है कम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी का मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड का मॉड्यूलेशन पढ़ लेना है, और साथ में बाकी जो आपके जो टॉपिक्स थे वो मैंने, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आपको आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हो, आई बटन पे भी मैं लगा दूंगा, साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और किस टॉपिक पर आप लोग बहुत ज्यादा इश्यू फेस कर रहे हैं आप कमेंट करके बताइएगा, अगला वीडियो उसी टॉपिक पर आपको इस चैनल पर मिलेगा। तब तक के लिए ऐसी पढ़ाई करते रहो।